नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नमन। आप देख रहे हैं एंड्रॉइड और आप में से बहुत सारे लोगों ने ना CRS अर्थात काल भाई रेटिंग सिस्टम तो देख ही लिया होगा, बट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नथिंग फोन 2A वर्सेस IQOO Z7 Pro का एक बढ़िया कंपैरिजन। अब इस वीडियो में ना दोनों फोन्स के ना हम कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे नजर डालेंगे, लाइक कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है गेमिंग है वो कैसी है, साथ में बैटरी ड्रेन के भी स्टैट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अब जब से नथिंग फोन 2A लॉन्च हुआ है यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई इसकी कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा लैग्स है UI में, तो आज थोड़ा अच्छे से ना सच्चाई पता करते हैं अपने स्टाइल में। अब परफॉर्मेंस और बाकी फैक्टर्स ना आगे आपको दिखाऊंगा, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों से कौन सा बेटर है। बट पहले हम ना कैमरा की बात करते हैं। तो नथिंग फोन 2A में क्या है कि जो कैमरा सेटअप है ज्यादा यूजेबल लगा, मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। प्राइमरी कैमरा 50 MP का और 50 MP का ही अल्ट्रा वाइड सेंसर है, साथ ही फ्रंट कैमरा भी 32 MP का है। वहीं पे IQOO में क्या है कि पीछे एक ही कैमरा मान लीजिए क्योंकि इसमें 64 MP कैमरा है, अल्ट्रा वाइड यहाँ पे नहीं है, 2 MP का आई थिंक मैक्रो या डेप्थ सेंसर है और 16 MP का फ्रंट कैमरा है। दोनों ही फोन्स में ना मेन कैमरा में OIS मिल जाता है, तो ऑन पेपर तो भाई नथिंग स्ट्रांग लग रहा है, बट यहाँ पे मैं आपको ना शटर स्पीड दिखाना चाहूंगा दोनों फोन्स की। अच्छा, इन दोनों फोन्स को जब मैं टेस्ट कर रहा था ना तो मैंने नोटिस किया कि नथिंग की जो शटर स्पीड है ना कैमरे की वो थोड़ा स्लो है, इमेजेस को क्लिक करने के बाद प्रोसेस करने में भी एक्स्ट्रा टाइम लेता है, बट शटर स्पीड टेस्ट करते हैं अभी कि किसकी कितनी फास्ट है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं 20 टाइम्स गिन के शॉट कैप्चर करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम काउंट करते हैं तो किसने कितनी इमेज क्लिक करी हैं। 11 इमेज क्लिक करी हैं यहाँ पे नथिंग ने, 16 इमेज क्लिक करी हैं यहाँ पे IQOO ने। तो शटर स्पीड के मामले में ना भाई यहाँ पे IQOO फास्ट है, काफी फास्ट है। अब मैं आपको एक ना पोर्ट्रेट इमेज क्लिक करके दिखाता हूँ इमेज प्रोसेसिंग कितनी फास्ट है किसकी। तो IQOO में क्लिक करी और ये इमेज हो गई प्रोसेस। अब हम करते हैं नथिंग में क्लिक करी और ये इमेज ना प्रोसेस हो रही है, हो गई, थोड़ा सा स्लो है IQOO कंपैरिजन में। अब अगर बात करते हैं कैमरा सैंपल्स की, इन दोनों फोन्स को यूज करके हार्श लाइट में हमने कुछ इमेज कैप्चर करी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नथिंग का जो बैकग्राउंड में लाइट मैनेजमेंट है वो बेटर है एज कम्पेयर टू IQOO। और अगर जूमिंग की बात करते हैं ना तो दोनों ही फोन्स में आप डिजिटली जूम कर सकते हैं अप टू 10x। डिटेल्स एंड क्वालिटी यहाँ पे बहुत सिमिलर मिलती है। अब नथिंग फोन 1, नथिंग फोन 2 हम दोनों यूज कर चुके हैं और इस फोन के साथ मुझे एक चीज नोटिस हुई कि इन्होंने हाईलाइट मैनेजमेंट पे थोड़ा बेटर काम किया है। बट जब हमने इन दोनों फोन्स की कैमरा को टेस्ट किया ना तो हमने कई चीजें नोटिस करी जो कि नथिंग के फेवर में नहीं जाती आज भी। ये वाली इमेज ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने कलर्स को टेस्ट करने के लिए इसको क्लिक करा था, यहाँ पे हमने नोटिस किया कि नथिंग रेड को थोड़ा पिंक कर देता है और इसको हमने वेरीफाई भी किया तो वही रिजल्ट रहे। बट शाम के टाइम हम पार्क गए और यहाँ पे ना लाइटिंग थोड़ा ज्यादा थी, हार्श लाइट कह सकते हैं। हमने यहाँ पे जब इमेज क्लिक करी तो साफ साफ नोटिस हुआ कि भाई नथिंग थोड़ा सा ना कलर्स को बूस्ट कर रहा है और स्किन को भी ना थोड़ा ज्यादा ऐसे व्हाइट कर रहा है, थोड़ा पॉलिशिंग टाइप। बट एक बात तो क्लियर है, ये जो जैकेट आप देख रहे हैं ना इमेजेस में, इसका कलर और स्किन का कलर ना IQOO ने मच बेटर तरीके से मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे नथिंग ने थोड़ा ज्यादा ही ब्लू किया हुआ है जैकेट को और स्किन को भी काफी व्हाइट किया हुआ है। और अगेन इसको भी वेरीफाई करने के लिए हमने बहुत सारे शॉट्स कैप्चर करे तो वहां पे हमने सेम चीज नोटिस करी है। नथिंग बहुत बार थोड़ा सा वार्म टोन कैप्चर करता है, कई बार बहुत ज्यादा कूल टोन कैप्चर कर रहा है, तो इमेजेस में ना उतनी कंसिस्टेंसी नहीं लगी मुझे। बट एक बात अच्छी लगी, ह्यूमन पोर्ट्रेट को छोड़ के जब हम नॉर्मल इमेज कैप्चर करते हैं तो वहां पे कई बार ना नथिंग की इमेज अच्छी लगती है, थोड़ा ब्राइट लगती है। और इसी के साथ अल्ट्रावाइट सेंसर का भी एडवांटेज मिलता है नथिंग को, तो जाहिर सी बात है अल्ट्रा वाइड इमेज भी आप कैप्चर कर सकते हैं नथिंग में, जो कि IQOO में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतना ही नहीं, नथिंग में पोर्ट्रेट मोड के अंदर ना 2x डिजिटल जूम का विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे आप 2x मोड में भी पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर कर सकते हैं जो कि थोड़ा बेटर पर्सपेक्टिव के साथ आती है, थोड़ा अच्छी लगती है देखने में। हालांकि कलर्स यहाँ पे भी ना आपको वैसे ही मिलेंगे जो नॉर्मल मोड में मिलते हैं। अच्छा, जब हमने इन दोनों फोन्स के कैमरा को आर्टिफिशियल या लो लाइटिंग सिनेरियोज में टेस्ट किया तो पता चला कि नथिंग जहाँ पे बहुत ज्यादा पीछे था, लाइक नथिंग फोन 1 का जो लो लाइट कैमरा सेंसर था बहुत वीक था, यहाँ पे IQOO को काफी कड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। बैकग्राउंड लाइट मैनेजमेंट अच्छा है, स्किन टोन्स भी लो लाइट में काफी अच्छी मैनेज कर रहा है, और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे कलर्स को बहुत ज्यादा खराब नहीं कर रहा है। हाँ, अभी भी IQOO कंपैरिजन में जो लेंस फ्लेयर है ना उसको मैनेज करने में नथिंग थोड़ा पीछे है, बट ओवरऑल देखता हूँ ना तो लो लाइटिंग में नथिंग ने कैमरा को इम्प्रूव किया है। अच्छा, सेल्फी कैमरा की बात करें, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा किसी भी लाइटिंग कंडीशन में आप इमेज कैप्चर करिए, आपको डिटेल्स ना
नथिंग की इमेज में ज्यादा मिलेंगी। कई बार होता है ब्रांड 32 मेगापिक्सल कैमरा लगाती तो है बट डिटेल्स उसमें उतनी अच्छी नहीं आती, बट यहाँ पे भी स्किन टोन में थोड़ा सा मेरे को डिफरेंस नोटिस हुआ। आईकू भी एकदम एक्यूरेट स्किन टोन्स नहीं कैप्चर करता, आईकू में क्या होता है कि थोड़ा सा व्हाइट स्किन रखता है, और नथिंग में नोटिस करा कि ये थोड़ा सा स्किन को ओवरऑल ना येलो कर देता है जब सामने से लाइट पड़ रही होती है कैसी भी कंडीशन होती है। तो जैसे ये इमेज देखिए, सामने से थोड़ा हार्श लाइट पड़ रही है, यहाँ पे आपको साफ साफ फर्क नोटिस हो जाएगा। हालांकि फ्रंट कैमरा में भी नथिंग ने हाईलाइट्स को मैनेज करने का तरीका ना ढूंढ लिया है, तो अब यहाँ पे भी डायनेमिक रेंज थोड़ा सा बेटर आती है पहले कंपैरिजन में। वैसे लो लाइट में फ्रंट कैमरा की ये वाली इमेज देखिए, यहाँ पे आईकू ने भी स्किन टोन को भाई पूरा मेस्ट अप कर दिया है, बहुत ज्यादा व्हाइट कर दिया है एकदम से। और एक दिक्कत जो आईकू G7 Pro में ऑलरेडी स्टार्टिंग से थी, लाइक ये लो लाइटिंग कंडीशन में फ्रंट कैमरा से ना ऐसे ऑयल पेंटिंग टाइप की बना देता है स्किन को। अब वीडियोस की बात करें, दोनों ही फोन्स ना मेन कैमरा से अप टू 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं। नथिंग में मैंने नोटिस किया कि इमेजेस की ही तरह ना यहाँ पे भी कलर्स को थोड़ा सा बूस्ट कर रहा है, और हार्श लाइटिंग कंडीशन में स्किन को भी थोड़ा एक्स्ट्रा व्हाइट कर देता है। हालांकि वीडियो स्टेबिलिटी के बारे में बताना चाहूंगा, चाहे हम डे लाइटिंग कंडीशन की बात करें या फिर हम लो लाइटिंग कंडीशन की बात करें, यहाँ पे नथिंग मुझे ज्यादा स्टेडी ज्यादा स्टेबल लगा। आईकू कंपैरिजन में कम जिटर्स मुझे नोटिस हुए। इवन आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, एक्सपोजर यहाँ पे नथिंग ने काफी अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, साथ ही लाइटिंग थोड़ा सा कम हो गई थी ना तो स्किन टोन भी अब थोड़ा बेटर मैनेज कर रहा है। अब ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम इसके फ्रंट कैमरा से, यहाँ पे नथिंग को एडवांटेज मिलता है ये फ्रंट कैमरा से, 10 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकता है, वहीं पे आईकू में 30 FPS तक का ही सपोर्ट मिलता है। और अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं मैं वॉक कर रहा हूँ और वीडियो आपको किस में स्टेबल मिल रही है, नथिंग में AIS इम्प्लीमेंट किया गया है तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी स्टेबल भी मिल जाती है। बाकी साउंड माइक क्वालिटी किसकी कैसी है वो भी आप मतलब सुन रहे होंगे देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसकी क्वालिटी बेटर है माइक में। तो अब यदि मैं कैमरा पे वर्डिक्ट दूँ ना तो यहाँ पे आईकू को कुछ एडवांटेज मिलते हैं, जैसे कि स्किन टोन्स, ह्यूमन स्किन टोन्स ये बेटर कैप्चर करता है, साथ में लो लाइटिंग कंडीशंस में जो फ्लेयर्स होती हैं उन्हें भी ये स्लाइटली बेटर मैनेज करता है। बट उसके अलावा नथिंग को यहाँ पे ना कई एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला कि ये 2x डिजिटल पोर्ट्रेट कैप्चर कर सकता है, इस प्राइस हिसाब से एक डिसेंट अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, और साथ ही इसके फ्रंट कैमरा में डिटेल्स अच्छी मिल जाती हैं, और वीडियो स्टेबिलिटी वीडियो क्वालिटी मेरे को इसकी काफी अच्छी लगी। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि 20-25 हज़ार रुपए के बजट में ना बहुत अच्छे कैमरा वाले स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं है, जिनमें कुछ अच्छा कैमरा सेटअप है उनकी भी इमेज प्रोसेसिंग में कई खामियां हैं, जैसी खामियां हमने नोटिस करी नथिंग में। वैसे आने वाले टाइम में इसको कुछ और स्मार्टफोन से हम कंपेयर करेंगे, परंतु अभी के समय पे ये फोन ना काफी एक अच्छा बैलेंस्ड कैमरा फोन लग रहा है मुझे इस बजट में। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कुछ सिनेरियोज में इसको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है अच्छे से। अब कैमरा के पश्चात हम बात करने वाले हैं दोनों फोन की ना परफॉर्मेंस की। चिपसेट रैम रोम दोनों में सेम मिल जाती है, चिपसेट का नाम थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे नथिंग में MediaTek Dimensity 7200 Pro बोला गया है इसको। खैर, यहाँ पे हमने दोनों फोन का ना सर्वप्रथम स्टोरेज रीड राइट स्पीड टेस्ट करा तो दोनों में स्पीड हमें बहुत सिमिलर मिली, दोनों में UFS 2.2 स्टोरेज मिल जाती है। इसके पश्चात हमने फुल ब्राइटनेस करके ना दोनों में Antutu रन किया, और बीच में जब हमने टेम्परेचर चेक किया ना तो दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं था, बट स्कोर्स में आईकू यहाँ पे आगे रहा। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एग्जैक्टली किन किन पॉइंट्स पे स्कोर्स में ज्यादा आगे रहा है। CPU स्कोर्स आईकू के बेटर हैं, 241,000 हैं, वहीं पे 212,000 हैं नथिंग में। GPU स्कोर्स दोनों में ना बहुत सिमिलर है, 1,000 का डिफरेंस है। मेमोरी स्कोर्स में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस UX में काफी डिफरेंस नोटिस हुआ। अभी आगे हम ना UI की बात भी करेंगे, बट उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, मात्र 3,000 लाइक्स हैं आपसे मुझे। खैर, इसके बाद दोनों फोन को हमने ठंडा किया और Geekbench रन किया तो यहाँ पे भी जो स्कोर्स निकल गया है ना आईकू में स्लाइटली ज्यादा थे, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था यहाँ पे। और इसके बाद हमने गेमर्स बेंचमार्क जो है ना 3D मार्क वो रन किया। अब ये वाला टेस्ट टोटल 20 मिनट्स का था। अगेन यहाँ पे दोनों ही फोन्स ने बहुत ज्यादा टेम्परेचर गेन नहीं किया, ओवर हीटिंग या फिर बहुत ज्यादा हीटिंग की कंडीशन में नहीं जा रहे हैं। और ये जितने भी परफॉर्मेंस टेस्ट हमने रन किए ना सबके बाद जो हमारी फाइंडिंग्स नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। हीटिंग इश्यूज दोनों ही फोन्स में नहीं है। बैटरी ड्रेन की बात करें तो यहाँ पे नथिंग बेटर रहा, क्योंकि ये जितने भी टेस्ट हमने रन किए तो ओवरऑल जब हमने बैटरी को कैलकुलेट किया तो आईकू ने 23% बैटरी ड्रेन करी और नथिंग ने 16%। अब आप कहेंगे कि भाई बैटरी साइज में भी डिफरेंस है, आईकू में 4600 mAh की बैटरी मिल जाती है, नथिंग में 5000 mAh की बैटरी है। तो जब हमने बैटरी कंजम्पशन को mAh में कैलकुलेट किया ना तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया। आईकू ने 1058 mAh बैटरी ड्रेन करी जबकि नथिंग ने मात्र 800 mAh। और इसके बाद हमने 1 घंटे का कंटिन्यूस BGMI रन किया स्मूथ और एक्सट्रीम FPS पे। दोनों ही फोन स्मूथ एक्सट्रीम तक ही सपोर्ट करते हैं, यानी कि 60 FPS का सपोर्ट मिलता है BGMI में। अब यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, नथिंग ने बैटरी ड्रेन करी 14% जो की होती है 700 mAh, और आईकू ने बैटरी ड्रेन करी 17% जो की होती है 782 mAh। तो यहाँ पे भी बैटरी ड्रेन स्लाइटली ज्यादा है आईकू में, परंतु यदि हम फ्रेम रेट स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे भाई साहब आईकू में एकदम चिपक के 60 FPS
FPS चलता है। यहाँ पे FPS मीटर में नथिंग का ग्राफ देखेंगे ना तो पूरा थोड़ा जिग-जैग टाइप का है, मतलब इसमें जनरली 50 टू 55 के बीच में ही FPS रहता है। हालांकि दोनों ने टेम्परेचर बहुत ज्यादा गेन नहीं किया, बट आईकू स्लाइटली वार्मर रहा एज कम्पेयर टू नथिंग। बट फिर भी अभी के टाइम पे इन दोनों फोन में अगर गेमिंग के लिए देख रहे हैं ना कोई फोन, तो भाई आईकू मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा विकल्प हो सकता है। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस वाला सेगमेंट है वहां पे क्लियरली आईकू लीड लेता दिख रहा है। परंतु यदि हम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो संभवतः आपको ज्ञात होगा आईकू में क्या है कि आपको ब्लॉटवेज भी मिलते हैं, अननेसेसरी नोटिफिकेशन भी मिलती हैं, साथ ही कई बार एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना तो वहां पे भी एप्स की रिकमेंडेशन भेज देता है। वहीं पे नथिंग की सबसे बड़ी यूएसपी है कोई भी थर्ड पार्टी ब्लॉटवेज नहीं मिलते इसमें। यूआई एकदम नीट एंड क्लीन है और क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड होने के बावजूद भी यहाँ पे ऐप क्लोन्स ऐप लॉक जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। अब नथिंग फोन 2 जब हमारे पास आया था, जब हमने इसको टेस्ट करना स्टार्ट किया था लाइक सेटअप करने के बाद पूरा दिन जब हमने टेस्ट किया, तो इसमें हमने नोटिफिकेशन पैनल को जब हम स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करते ना तो यहाँ पे हमने काफी जिटर्स नोटिस करे थे। बाकी कैमरा ऐप में अभी भी लैग बहुत ज्यादा है, जैसे नॉर्मली कोई दूसरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको लैग्स जिटर्स नोटिस नहीं होंगे, बट जैसे ही आप कैमरा ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो फील होता है ये फोन। अब क्योंकि दूसरे ऐप्स ओपन करने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो रही यूआई में, तो मैं ये मान सकता हूँ कि कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करने में कुछ थोड़ा सा दिक्कतें हैं, मे बी कुछ ऑप्टिमाइजेशन की कमी है, तो उसको ऑप्टिमाइज करके चीजें फिक्स की जा सकती हैं। अच्छा, कुछ एक पॉइंट्स हैं जहां पे अगेन नथिंग यहां पे बेटर निकल गया था, लाइक साउंड क्वालिटी। यहां पे नथिंग में डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, आईकू में सिंगल स्पीकर है, लाउडनेस दोनों की बहुत सिमिलर लगी मुझे, बट रिचनेस के मामले में ना स्लाइटली मुझे नथिंग बेटर लगा। परंतु कंपन प्रतिक्रिया अर्थात हैप्टिक फीडबैक के मामले में ना नथिंग क्लियर विनर है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें अगेन यहां पे नथिंग को बहुत बड़ा एज मिलता है, आईकू में एंड्रॉइड 15 तक का ही अपडेट मिलेगा, जबकि नथिंग को 3+4 ईयर अपडेट के साथ ना एंड्रॉइड 17 तक के अपडेट्स मिलेंगे। वहीं पे सॉफ्टवेयर भी ज्यादा क्लीन है और अभी के टाइम पे नथिंग की जो कम्युनिटी है उसके हिसाब से जो फीडबैक आ रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं। और इसके अलावा नथिंग में क्या है कि एनएफसी का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो टैप एंड पे जैसे फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं इसमें, जबकि आईकू में नहीं मिलता। अब यदि डिस्प्ले की बात करते हैं दोनों टोटली अपोजिट हैं भाई। आईकू में कर्व डिस्प्ले मिल जाती है जिसकी एक अलग पहचान होती है, लोग प्रीमियम मानते हैं, मुझे भी अच्छी लगती है व्यक्तिगत रूप से। परंतु नथिंग में क्या है कि फ्लैट डिस्प्ले तो है बट बेजल सिमेट्रिकल है, तो ये एकदम ना फ्लैगशिप ग्रेड लगता है भाई सामने से। हालांकि जब हमने टेस्ट किया तो दो चीजें नोटिस करी, पहला कि नथिंग की ब्राइटनेस आउटडोर्स में ज्यादा है और दूसरा कि नथिंग के कलर्स ना थोड़ा ज्यादा पंची है, थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट है, तो थोड़ा सा अननेचुरल साइड भी कई बार वो चले जाते हैं। इस मामले में आईकू की डिस्प्ले मुझे थोड़ा बेटर कैलिब्रेटेड लगी और दोनों फोन के डिजाइन एंड बिल्ड में भी काफी बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे भाई आईकू जो है ना बहुत स्लिम बहुत लाइट है, ग्लास बैक है। हाँ, आईकू बिना कवर्स की यूज करेंगे तो काफी ज्यादा स्लिपरी फील होता है, बट बॉक्स में कवर मिलता है एटलीस्ट, और इसके बॉक्स में आपको अडाप्टर भी मिलता है। तो इस स्थान पे भाई नथिंग मेरे को बहुत पीछे लगा, बॉक्स में आपको अडाप्टर नहीं मिलेगा, अलग से परचेस करना पड़ेगा। बैक कवर मैंने भी ये वाला परचेस करा था 300-400 रुपए का रहा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कवर अच्छा है। और नथिंग में फ्रेम और बैक ये दोनों ना प्लास्टिक का है, हालांकि इतना कहना चाहूंगा बिना कवर्स के भी यूज करने में ना ये एकदम स्लिपरी फील नहीं होता। ग्रिप बहुत अच्छी है इस वाले फोन की और इन एंड फील मेरे को बहुत ज्यादा चीप नहीं लगी। हालांकि इसका जो बैक है वो थोड़ा कर्व बनाया गया है तो ये बहुत ज्यादा चुभता नहीं है। साथ 3 ग्लिफ लाइट्स मिल जाती है, इसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं करता इसको। अब यदि हम अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना तो नो डाउट यहाँ पे आईकू विनर है भाई। अब यदि हम निष्कर्ष की बात करते हैं अर्थात फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं तो दोनों फोन्स की जो प्राइस है बहुत सिमिलर है, 25,000 रुपए के अंडर में आपको ये दोनों फोन्स मिल सकते हैं। यहाँ पे आईकू कुछ एजेस मिलते हैं लाइक इसमें आपको परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर मिल जाएगी आज के टाइम पे, मेन कैमरा में कलर्स बेटर मिल जाते हैं और इसको लेने के पश्चात आपको तुरंत कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जबकि नथिंग में क्या है कि एडाप्टर नहीं मिलता तो सब आपको अलग से लेना पड़ सकता है, बट नथिंग का सॉफ्टवेयर सपोर्ट बेटर है। ओवरऑल यूआई की बात करेंगे तो अगेन वो भी मुझे अच्छा लगा, फ्लैट डिस्प्ले है बट ओवरऑल देखने में अच्छा लगता है सामने से भी। डिस्प्ले हैप्टिक ओवरऑल प्रैक्टिकल कैमरा के मामले में अभी भी मुझे नथिंग बेटर लगा इस प्राइस पे। तो अभी के टाइम पे दोनों में से एक पिक करना पड़े ना तो संभवतः मैं नथिंग को पिक करूंगा। हालांकि इसके प्लास्टिक बैग में स्क्रैचेस आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो यदि आप इसको परचेस करते हैं तो बैक कवर भाई पहले मंगा के रख लेना। और आशा करता हूं कि नथिंग इसके कैमरा और सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करे थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए। परंतु हां, मैं आपको ओपिनियन भी जानना चाहता हूं, यदि इन दोनों में से आपको एक पिक करना पड़े तो कौन सा पिक करेंगे, क्यों पिक करेंगे वो भी बता सकते हैं। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ भी प्रश्न हो वो भी पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।